RRR यानी ट्रिपल आर। इसी मूवी को केवल इंडिया नहीं बल्कि सारी दुनिया की हर बच्चे बूढ़े और जवान इंतजार कर रही है और इसी फिल्म के ऊपर सारी दुनिया की भी नज़र है, क्योंकि दोस्तों बाहुबली, बाहुबली 2, रोबोटो पॉइंट और साहू के बाद अगर कोई हाई बजट वाला धमाकेदार फिल्म साउथ इंडियन में आ रही है वो है ट्रिपल आर। और दोस्तों इसी फिल्म का सबसे बड़ा खासियत यही है, रोबोटो पॉइंट 450 करोड़ में बनी हुई फिल्म के बाद अगर इंडिया के इतिहास में कोई हाई बजट वाला धमाकेदार फिल्म आ रही है वो है ट्रिपल आर, जिसको कि डायरेक्ट कर रही है साउथ की सबसे बड़ा डायरेक्टर SS राजमौली। बाहुबली और बाहुबली 2 में डायरेक्टर राजमौली ने सिर्फ प्रभास को ही स्टार हीरो रूप में ली थी, लेकिन इसी फिल्म में NTR रामचरण के साथ साथ बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को मौका दिए। इसी फिल्म की शूटिंग लगभग 45% कम्प्लीट हो चुकी है, जिसमें से NTR और रामचरण एंट्री सीन के लिए डायरेक्टर राजमौली ने 40 करोड़ खर्च किया है। मैं आपको बता दूं NTR एंट्री सीन के लिए डायरेक्टर राजमौली ने 25 करोड़ खर्च किया है, जबकि रामचरण की एंट्री सीन के लिए डायरेक्टर राजमौली ने 15 करोड़ खर्च किया है। अगर दोस्तों इसी फिल्म की कहानी के ऊपर हम नज़र डालेंगे तो दोस्तों इसी फिल्म का कहानी है दो फ्रीडम फाइटर की, जिसमें से दो फ्रीडम फाइटर कुमारम भीम और अल्लूरी सीतारामा कैसे इंग्रेज के साथ फाइट करेंगे वो है इसी फिल्म का कहानी। और दोस्तों इसी फिल्म के बारे में मैं आपको और एक बहुत ही बड़ी बात बता दूँ, प्रभास की साहू फिल्म जिस दिन थिएटर यानी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा उसी ही दिन इसी फिल्म का यानी RRR मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों RRR मूवी को केवल हिंदी या तेलुगु पे नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसे कई सारे पब्लिक की भाषा में इसी फिल्म को वर्ल्ड वाइज रिलीज किया जाएगा। अगर दोस्तों इसी फिल्म का रिलीज डेट के बारे में हम नजर डालेंगे तो दोस्तों इसी फिल्म का रिलीज डेट फिक्स हो चुकी है, इसी फिल्म को अगले साल जुलाई 30 में थिएटर यानी आपकी नज़दीक सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों इसी फिल्म को SS राजमौली ने डायरेक्शन दे रही है, जिन्होंने कि हमको पहले से बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे हाई बजट वाला धमाकेदार फिल्म दे चुकी है। क्या RRR मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे तगड़ा परफॉर्मेंस कर पाएगा? क्या बाहुबली और बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? तो दोस्तों ऑब्वियसली मुझे लगता है RRR मूवी सारी की सारी मूवी को टक्कर दे सकती है और RRR मूवी के सामने कोई भी मूवी टिक नहीं सकती है। तो दोस्तों इसी के बारे में आपका राय क्या है, आपका क्या सोचना है, हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपकी रिव्यू शेयर कीजिए।